हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन श्रीमान सुनील सेठी साहब, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के बहुत लीडिंग लॉयर हैं, एडवोकेट श्रीमान रणवीर सिंह पठानिया साहब, और पार्टी के जो प्रवक्ता के नाते से और बाकी के तमाम साथी, आज की जो जजमेंट धारा 370 के संबंध में आई है, मैं श्रीमान सुनील सेठी जी से आग्रह करता हूं, जो कि पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन भी हैं और एक लीडिंग एडवोकेट के नाते से जाने जाते हैं, वो हम सब के सामने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के विषय में बात रखेंगे। श्रीमान सुनील सेठी साहब। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला किया है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A के ऊपर, और उसके साथ जो जुड़े हुए इश्यूज थे। ये लड़ाई जो 70 साल पहले शुरू हुई भारत की अखंडता को बनाने के लिए, और पिछले तकरीबन 4 साल से लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद, आज उस पर पूर्ण विराम लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि जो फैसला पार्लियामेंट ने किया था 5 अगस्त 2019 को, वो बिल्कुल ठीक था। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि जो गवर्नमेंट की एक्शन थी आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए, वो भी संवैधानिक तौर के ऊपर जो है वो जस्टिफाइड है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंट की पावर के बारे में भी कहा कि प्रेसिडेंट की पावर आर्टिकल 370 को ख़त्म करने के लिए जो है वैलिड है, और उसके लिए उसको कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो जम्मू कश्मीर है उसमें कोई सॉवरेनिटी का कंसेप्ट नहीं है, सॉवरेनिटी का कंसेप्ट जो है वो इंडिया में है। नेशनलिज्म के बीच में सब नेशनलिज्म की बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने नकारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि लद्दाख को जो यूनियन टेरिटरी बनाया है जम्मू कश्मीर से अलग करके, वो भी संवैधानिक तौर के ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक है, किसी स्टेट को काट के उसमें से यूनियन टेरिटरी बनाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा जो सॉलिसिटर जनरल ने बयान दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाया जाएगा, इसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो प्रतिबंध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये स्टेटमेंट आ गई है तो इसके ऊपर कोई और टिप्पणी करना या और कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर में, वो 30 सितंबर 2024 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा कि आप इसमें इलेक्शन जम्मू कश्मीर में करवाइए लेजिस्लेटिव असेंबली के। कुल मिला के जो लड़ाई 70 साल पहले शुरू हुई थी, और ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरे भारत में सभी लोग इसमें शामिल थे, जिसमें ये क्वेश्चन था कि क्या भारत को एक होके रहना है या एक भारत के बीच में भी कोई अलग हिस्से हो सकते हैं। ये भारत की प्रभुता और अखंडता की लड़ाई थी। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में, खासकर अदालती इतिहास में, कॉन्स्टिट्यूशनल लिटिगेशंस में या फाइट्स में, ये शायद पूरे भारत का सबसे बड़ा फैसला है पिछले 70 साल से, जब से सुप्रीम कोर्ट बनी है तब से लेके, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि हमको एक नेशन के तौर के पर रहना है। नेशन के बीच में सब नेशनलिटी का कंसेप्ट नहीं होगा। जो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि भारत की सॉवरेनिटी के बीच में जम्मू कश्मीर की सॉवरेनिटी का अगर कोई कंसेप्ट था तो वो सबस्यूम हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग से नहीं होगा, इसके बारे में भी सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जम्मू कश्मीर के ऊपर भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से अप्लाई करेगा, और पार्लियामेंट की ज्यूरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर के ऊपर भी वैसे ही है जैसे बाकी स्टेट्स के ऊपर है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात कही गई। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा जो है कोई विशेष दर्जा नहीं है, बल्कि वैसे ही है जैसे पूरे भारत के बाकी राज्य या यूनियन टेरिटरीज का है, महत्वपूर्ण बात है। कुल मिला के हम इसको ऐसा देखते हैं कि जो भारतीयता की लड़ाई भारत में शुरू हुई आर्टिकल 370 के बनने के बाद, वो आज ख़त्म हुई, उस पर पूर्ण विराम हुआ। जो सारे क्वेश्चन मार्क्स जो है वो लगाए जाते थे कि क्या हम एक नेशन है या इस एक नेशन के बीच में कोई एक स्टेट ऐसी है या ऐसा यूनिट है
जो अपनी सॉवरेनिटी की या सब नेशनलिज्म की बात करता है उसके ऊपर भी आज फुल स्टॉप लगा है। इसके बाद इसके ऊपर कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं हो, इसके ऊपर कोई चर्चा फर्दर नहीं हो, ऐसी हमको आशा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को सम्मान करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का। जैसे जजमेंट आने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टी ने कहा था कि जो जजमेंट आएगी सुप्रीम कोर्ट से हम उसका सम्मान करेंगे। हम ये मानते हैं कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जम्मू की हो, कश्मीर की हो या कहीं की भी हो, उनको सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का सम्मान करना है और उसके ऊपर कोई राजनीतिक नहीं करनी चाहिए। ये एक बड़ा कदम है हमको आगे बढ़ने के लिए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया कि नए जम्मू कश्मीर में नई आशा का संचार होगा, अब जम्मू कश्मीर जो है वो प्रगति की राह पे और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं अध्यक्ष जी को कहूँगा कि आप इसके ऊपर अपनी टिप्पणी कीजिए, इस जजमेंट के ऊपर इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा। सभी मीडिया के मित्रों का भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, हमारे देश के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 के संबंध में एक बड़ा फैसला आज सुनाया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने धारा 370 के सुनवाई के बाद अपना अंतिम निर्णय फैसला दिया है। ये जम्मू कश्मीर के संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर समाज के अलग अलग वर्गों के साथ हमेशा छल कपट हुआ। जम्मू कश्मीर के अंदर रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, 70 साल उनको धारा 370 के कारण उनके अधिकार नहीं मिले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो ओबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें हांजी, तेली, हजाम, नाई, मरकबांस, लोहार, तरखान, प्रजापति, जाट समुदाय के भाई बहन, उनको उनके अधिकारों से 70 साल वंचित रखा गया। जम्मू कश्मीर के अंदर पश्चिम पाकिस्तान से 1947 में विभाजन के बाद जो यहां विस्थापित आए, उनको नागरिकता तक नहीं दी गई। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के विस्थापितों के साथ अन्याय हुआ। और इसके साथ साथ हमारे देश के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होने दिया गया था। एंटी करप्शन कानून यहां लागू नहीं थे, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1989 लागू नहीं किया गया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जम्मू कश्मीर में लागू नहीं किया गया था, यहां राइट टू एजुकेशन से जम्मू कश्मीर के बच्चों को वंचित रखा गया। ऐसे अनेक कानून थे जो कि देश भर में लागू थे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता तरसती रही कि ये कानून यहां लागू किए जाएं, लेकिन धारा 370 की आड़ में ये सभी कानून यहां लागू नहीं किए गए थे। उसके उपरांत पूरे देश के अंदर जो पंचायती राज सशक्तिकरण था, कभी यहां जिला परिषद का गठन नहीं होने दिया गया, कभी DDCs, BDCs का इलेक्शन यहां नहीं होने दिया गया था, लेकिन धारा 370 की समाप्ति के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर
गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीले के लोग, गद्दी, सिप्पी, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित, पीओजेके के रेफ्यूजीज विस्थापित, समाज के जो दलित वर्ग के हमारे भाई बहन हैं, गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज से ताल्लुक रखते हैं, आज उनको जम्मू कश्मीर में अधिकार मिले हैं। आज वो भी भारतीय नागरिक की तरह, देश के संविधान ने जो उनको अधिकार दिए हैं, उन मूलभूत अधिकार समाज के हर वर्ग को मिले हैं। ये एक बहुत बड़ा न्याय के साथ साथ राष्ट्रीयता का भी विषय था, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। आज उस संकल्प को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रमाणित कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर के हर वर्ग को, वो हिंदू हैं या हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं, सिख हैं या ईसाई हैं, जम्मू के हैं या वादी कश्मीर के हैं, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, विस्थापित, रेफ्यूजीज, ओबीसीज हों, समाज के हर वर्ग का भला हुआ है। और सबसे बड़ी बात, आज जम्मू कश्मीर खुशहाली और अमन के रास्ते के ऊपर आगे निकल चुका है। आज जम्मू कश्मीर के गांव गांव और शहर शहर में जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। केंद्र सरकार की हर पॉलिसी, हर नियम आज जम्मू कश्मीर में लागू हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना से करोड़ों गरीब लोगों के मकान बनाए जा रहे हैं। आज किसान सम्मान निधि गरीब किसानों के खाते में डायरेक्ट उसका लाभ हो रहा है। आज गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की योजना का लाभ जम्मू कश्मीर का हर एक नागरिक ले रहा है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो गरीब और ट्राइबल परिवारों के बच्चे, उनको स्कॉलरशिप्स मिल रहा है। बॉर्डर और एलओसी के ऊपर रहने वाले लोगों को अधिकार दिए गए हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर हर वो सुख सुविधा जो देश के नागरिकों को प्राप्त होती है, सभी जम्मू कश्मीर वासियों को मिल रही है। इसके लिए हम अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब का धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते हैं अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब का, और हम अपने देश के सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को जो अधिकार हमारी सरकार ने दिए थे उसको प्रमाणित कर दिया है। हम हृदय से इस निर्णय का स्वागत करते हैं। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, और हमारे देश की जो न्यायपालिका है, जो हमारे देश की जुडिशरी है, वो सर्वोपरि है। हर एक नागरिक देश का पूरी ईमानदारी के साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का एहतराम करता है, उसकी रिस्पेक्ट करता है। हमारी अदालतें देश को न्याय देती हैं, और एक न्याय देने वाला फैसला जो जम्मू कश्मीर की 1,40,00,000 लोगों के लिए ये निर्णय हुआ है, ये निर्णय जनता के लिए है। गरीबों, मस्कीनों, ज़ईफ़ों और बेसहारा लोगों को एक सहारा देने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूं
कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के इस फैसले के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को लेकर सियासत बंद होगी, यहां इस पर कटाक्ष और टीका टिप्पणी बंद होंगी और सब मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलजुल कर एक होकर जम्मू कश्मीर के अच्छे मुस्तकबिल के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन और खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, अपने बच्चों नौजवानों की खुशहाली और उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए हम सब मिलकर एक होकर डेवलपमेंट के रास्ते के ऊपर आगे बढ़ेंगे, अमन और खुशहाली के रास्ते के ऊपर बढ़ेंगे ताकि एक खुशहाल जम्मू कश्मीर, स्वर्ग से भी सुंदर जम्मू कश्मीर का निर्माण हो। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब और हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह साहब ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की बेहतरी के लिए हर वो काम किया जाएगा जिसकी डिमांड, जिसकी चाह जम्मू कश्मीर की आवाम रखती है। खिदमत खलक और हब्बल वतनी के जज्बे से काम करते हुए सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ हमारी सरकार आगे भी काम करती रहेगी ताकि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को उनका भला हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली हो। रविंद्र जी, आपने उमर अब्दुल्ला की एप्लीकेशन